लोग पुरानी दिल्ली से ऑटो पकड़ के गुजराती दिल्ली समाज में आए। कोई दो लड़के स्कूटर पे आके बेटी के हाथ से पर्स छीन के ले चले गए। प्रधानमंत्री की भतीजी के साथ झपटमारी करने वाले बदमाश सिर्फ 24 घंटे में दबोचे गए। दिल्ली पुलिस ने कल ही बदमाशों की पहचान कर ली थी। स्कूटी सवार बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए। वारदात वाले इलाके में ही दोनों उसी वक्त आते दिखे और कुछ पलों में जाते नजर आए। सीसीटीवी खंगालने के बाद दिल्ली पुलिस की कई टीमें बदमाशों की धरपकड़ के लिए जुट गए थे। देर रात एक बदमाश नानू पकड़ में भी आ गया। उसे हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से लूट का सारा सामान भी बरामद हो गया, जिनमें 56,000 कैश, 2 मोबाइल फोन और दस्तावेज शामिल हैं। लेकिन दूसरा बदमाश अब भी पकड़ से बाहर है। गौरव एलियस नोनू है, ये 21 साल का है और इससे जो हमारी केस प्रॉपर्टी थी, इनका कैश सारा 56,000, दोनों मोबाइल रिकवर हो गए हैं। जो स्कूटी इन्होंने यूज़ की थी कल स्नैचिंग में, वो भी रिकवर कर ली गई है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी रिकवर हो गए। कल सुबह अमृतसर से दिल्ली आते ही पीएम नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी की बेटी दमयंती बेन से छीना झपटी हुई थी। दमयंती दिल्ली के वीवीआईपी कहे जाने वाले इलाके सिविल लाइन में गुजराती समाज भवन जा रही थी, तभी स्कूटर सवार बदमाश पर्स छीन कर भाग गए। कुछ दिखाई नहीं, दो बच्चे थे, बच्चे जैसे 17 से 18 साल की एज के दो लड़के थे जो सामने से आए और पर्स छीन के ऐसे गए जैसे विद इन अ सेकंड वो लोग गायब हो गए स्कूटी पे। हैरानी तो यह है कि वारदात वाली जगह से चंद कदमों की दूरी पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का घर है, थोड़ी ही दूर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है। कहने का मतलब यह है कि ये वो इलाका है जहां चप्पे चप्पे पर सख्त पहरा होता है, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं समझा जा सकता है। कल सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास इस वारदात को अंजाम दिया गया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी दमयंती बेन पुरानी दिल्ली से गुजराती समाज भवन सिविल लाइन इलाके में ऑटो से पहुंची थी। उसी वक्त स्कूटी सवार दो लड़के आते हैं, उनके पर्स को छीनते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। उसके बाद ही पुलिस की कई टीमें जो हैं इस वारदात को सुलझाने में लगती हैं। इलाके के तमाम सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला जाता है और आखिरकार पुलिस को फिलहाल एक सफलता मिल चुकी है। एक आरोपी पुलिस गिरफ्त में है, पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। मामला प्रधानमंत्री के रिश्तेदार का था तो दिल्ली पुलिस का पूरा अमला जुट गया और 24 घंटे में आरोपी भी पकड़ में आ गया। लेकिन क्या यही मुस्तैदी की उम्मीद आम आदमी के साथ हुए किसी वारदात में की जा सकती है?